उत्तर प्रदेश कानपुर से ईद की नमाज को लेकर ईदगाह कमेटी का ऐलान। नमाज दो बार में ईदगाह के अंदर होगी। पहली शिफ्ट नमाज की सुबह 8 बजे और दूसरी शिफ्ट 9:30 बजे होगी। मेरा नाम शादी नवाब है, मैं खादिम वली ईदगाह का हूँ। और भाई नमाज को लेके इश्यूज पहले से आ रहे थे, इससे पहले जो है ये हुआ, पब्लिक इकट्ठा आ गई अचानक, उसके बाद नमाज हो गई, उसमें मुकदमे हो गए, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन भाई हम जिनके फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी नमाज अदा की है ईदगाह के अंदर जाके। और दूसरी चीज़ ये भाई, आज के हालात के तहत आज शासन का आदेश और जो निर्देश है कि रोड पे नमाज नहीं होगी, तो हमें उसको फॉलो करना है और कराना भी है। इसी के तहत हमारी ईदगाह कमेटी ने टाइम सेट किया है, पहली शिफ्ट 8 बजे, ठीक 8 बजे, दूसरी शिफ्ट ठीक 9:30 बजे। नमाजियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि भाई जो हमारे आका की सुन्नत है कि ईद की नमाज ईदगाह में हो, ईदगाह के अंदर हो, तो भाई सबको ये चाहिए फिक्र से, अपनी फिक्र करके टाइम से पहुंचे ईदगाह के अंदर। नमाज ईद की ईदगाह के अंदर ही होगी, ईदगाह के बाहर नहीं होगी, दोनों शिफ्टों में। अगर कोई मोहम्मद कामरान, मैं ईदगाह कमेटी का मेंबर हूँ, अभी हमारे शारिक भाई ने सब कुछ बता दिया है, खुदा ना खास्ता अगर कोई लेट हो जाता है तो सेकंड शिफ्ट में पढ़ ले, उसमें कोई हड़बड़ी ना करें, थोड़ा सा वेट कर ले, 9:30 बजे इंशाल्लाह दूसरी नमाज होगी, उसमें अदा कर ले, यही मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।